Now children, let's move on to chapter number 45 and the name is Pioneers of Science. तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने साइंस में बहुत ज़्यादा नाम कमाए, बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं. सो रीड द क्लूज एंड गेस द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. इन साइंटिस्ट के नाम आपको गेस करने हैं. सो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट है, इन द मिड 1830s ही इन्वेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ द एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने डेवलप किया था. द फोर रनर ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मीन्स इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है. एंड ही इज चार्ल्स बैबेज. नेक्स्ट इज दिस फेमस पॉलिटिशियन एंड साइंटिस्ट वेंट टू स्कूल फॉर जस्ट 2 years. ये एक फेमस पॉलिटिशियन है और साइंटिस्ट भी है. ये स्कूल सिर्फ 2 साल के लिए गए. He flew a kite in the thunderstorm and showed that lightning was a discharge of electricity. इन्होंने काइट उड़ाई आसमान में थंडरस्टॉर्म के टाइम में, जब आसमान में बिजली चमक रही थी, और इन्होंने ये दिखाया कि लाइटनिंग क्या करती है, डिस्चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम द क्लाउड्स. क्लाउड्स में से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है. ही इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर. इन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर को इन्वेंट किया था. एंड ही इज बेंजामिन फ्रैंकलिन. सो ही इज बेंजामिन फ्रैंकलिन. नेक्स्ट स्टूडेंट, द थर्ड वन इज इन हिज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन 1859. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. 1859 में ही प्रोवाइडेड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ डाइवर्स स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिसेंडेड ओवर टाइम्स फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स. इन्होंने ये बताया था कि कैसे जो है किसी भी प्लांट या एनिमल जो है क्या करते हैं, अपने कॉमन एंसेस्टर्स से ये होते हैं, ये डेवलप होते हैं. सो ही इज चार्ल्स डार्विन. And here is the picture. Next, fourth one is this English physicist. ये एक English physicist है and chemist है. Made many notable contributions to chemistry. इन्होंने chemistry की तरफ काफ़ी ज़्यादा contributions दिए थे. And electricity, electricity की भी तरफ. His discovery of electromagnetic induction led to the discovery of electric generator. इनकी जो डिस्कवरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ये जो है एक डिस्कवरी थी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की तरफ. इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इनके द्वारा ही बने थे. सो चिल्ड्रन, ही इज माइकल फाराडे. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन, दिस इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर वर्कड आउट द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमर है जिन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी को प्रूव किया था. आफ्टर ऑब्जर्विंग एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. इन्होंने क्या देखा था कि एक एप्पल पेड़ से गिर रहा है, उसके बाद इन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था. ही ऑल्सो फाउंड आउट दैट सनलाइट इज मेड ऑफ डिफरेंट कलर्स. इन्होंने ही ढूंढा था कि जो सनलाइट है वो अलग अलग कलर्स को मिला के बनता है. एंड ओरिजिनेटेड कैलकुलस. और कैलकुलस को भी इन्होंने ओरिजिनेट किया था. एंड ही इज फाइंड आउट द नेम एंड राइट इट हियर. ही इज एन इंडियन साइंटिस्ट. ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं हु रिसीव द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930. इन्हें फिजिक्स के लिए नोबल प्राइज मिला था 1930 में फॉर हिज थ्योरी दैट व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल सम ऑफ इट चेंजेस इन वेवलेंथ. तो इनकी जो थ्योरी थी वो ये थी कि जब लाइट जो है पास होती है किसी भी एक ट्रांसपेरेंट चीज़ में से, तो क्या होता है उसमें से कुछ जो है चेंज हो जाते हैं वेवलेंथ्स में. ही वॉज नाइटेड इन 1929. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्सन. चिल्ड्रन, फाइंड आउट एंड यू हैव टू राइट इट हियर.